मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के हवाले से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अजलास में इस हवाले से हतमी मंजूरी दी जाएगी। सरदार याकूब खान नासिर का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरदार याकूब खान नासिर को कायम मकाम सदर बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सेनेटर याकूब खान नासिर को मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर बनाने का फैसला किया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में इस हवाले से हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको बताते चलें कि सरदार याकूब खान नासिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरदार याकूब खान नासिर को कायम मकाम सदर बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आई है। तफसीलात हासिल करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, कायम मकाम सदर बनाने के लिए सेनेटर याकूब खान नासिर को फैसला किया गया है? अदनान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सरदार याकूब खान नासिर, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ ने सरदार याकूब खान नासिर को कायम मकाम सदर बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सेनेटर याकूब खान नासिर को मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के हवाले से जो इत्तला सामने आई हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अजलास में हतमी मंजूरी दी जाएगी।